उत्तर प्रदेश के महोबा जिले को भ्रष्ट अफसरों ने भ्रष्टाचार में नंबर वन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले प्रकाश में आते रहते हैं। कई भ्रष्टाचारी तो सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के इस भयानक खेल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक मामला महोबा जनपद के कुलपहाड़ कस्बे के टोरियापुरा गांधी वार्ड एक का है, जहां एक युवक ने बताया कि उसका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ था, जिसकी कुछ किस्तें भी उसे प्राप्त हो गई थी। उसने आधे अधूरे आवास का निर्माण करवाया, लेकिन उसने भ्रष्ट अफसरों को सुविधा शुल्क नहीं दिया, जिसके चलते उसे शेष किस्त नहीं दी गई और आज उसे भ्रष्ट अफसरों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते आधे अधूरे बिना छत के मकान में गुजारा करना पड़ रहा है। उसने मीडिया को बताया कि भ्रष्ट अफसर उसे 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इसी कारण से किस्त न मिलने के कारण उसका आवास पूरा नहीं हो सका। आज उसे खुले आसमान में जीवन गुजारना पड़ रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, पीड़ित ने सरकार से आवास की शेष किस्त दिलाए जाने की मांग की है। बताओ माता जी, क्या है पूरा माजरा? आपने आवास अभी तक पूर्ण क्यों नहीं करवाया? दूंगा वह आपके दो तीन जने आए थे तो वे 10,000 पैसा मांग रहे थे हमारे लड़का से। लड़का के पैसे है नहीं, और हमारी फोटो भी ले गए। और जो डरो हम आवा धूरो, हम बहुत परेशान हैं। पानी पानी है? पानी पानी भरो है, पानी है। हमारा बहुत परेशानी है, हम रात भर पानी बरसो और हम अलूचत अलूचत परेशान है, ठंड में मर रहे। हमारा पहले भी अच्छो हतु कच्चो, अब हमें बहुत परेशान कर रही सरकार, जिन बनवा के आवास और पैसा नहीं दे रही। हम कहाँ से ले आए पैसा बताओ? हमारा लड़का कछु कर नहीं रहो, वो कर भी लाख नहीं है और हम कर भी लाख नहीं है। हमारा कितो बिलोरा कर दो, हमारा कच्चो अच्छो है तू, छाया में तो हते हम मर रहे अब रात दिन। कभी किसी अधिकारी या ढूंढा विभाग या किसी विभाग के अधिकारी ने आपसे कुछ पैसे की बातचीत की या हाँ, कभी कुछ? क्या मामला है? मामला यह है कि पैसा चाहते हैं, कमीशन चाहते हैं, बगैर कमीशन के काम नहीं हो रहा है। हर जगह पैसे पैसे लालच चाहते हैं कि हमको कुछ पैसा मिले खर्च पानी, इसके बाद हम तुमको किस पहुँचाएँ। भाई हम बहुत आर्थिक स्थिति गड़बड़, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनको खाना खर्च के लिए, तो इसलिए हमारी किस्त नहीं आई है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जब गवर्नमेंट दे रही है आवास बनाने के लिए पैसा, तो ये बीच के कर्मचारी लोग फायदा उठाते हैं मौके। किसने मांगे आपसे पैसे? कौन अधिकारी, किस विभाग का अधिकारी था? हाँ, दूना विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने हमसे कुछ डिमांड की पैसा की। कितनी रकम की बात की थी आपसे? 10,000 रुपए की। तो 10,000 हम कहाँ से दें? हम बहुत परेशान हैं इस समय, हमारी आर्थिक स्थिति गंभीर है। जैसा कि हाल ही आपका ये आवास है जो सरकारी आवास, जी आपने क्यों नहीं अभी पूरा करवाया और क्यों नहीं पूरा बनवाया? आपकी हालत बद से बदतर हो गई है, आप जो पन्ने भी डाले हुए थे वो भी उड़ गई है कल आंधी हवा पानी में। क्या है मामला, पूरा मामला बताएं। मामला ये है कि हमारा भाई पैसा नहीं आया है, आवास का किस्त नहीं आई है। कब से नहीं आया, क्या किस्तें आई हैं आपकी? पहली किस्त आई थी जून के महीने में, तो उसके बाद हमारी जून किस सन में की बात हो रही है आपका? बहुत पुराना है। 18 में 2018 6 जून को आया था हमारा किस्त पहली वाली। उसके बाद हमारे को पैसा नहीं प्राप्त हुआ, हमारा मकान का काम अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हो पाया है। उसके बाद से आपकी एक भी किस्त नहीं आई? हाँ, उसके बाद हमारी किस्त नहीं आई है, हम बहुत परेशान हैं। पन्नी अन्नी डाले हुए थे अपनी छाया बनाने के लिए, कल आंधी पानी बारिश हुई हवाया इस, हमारी पन्नी अन्नी भी उड़ गई है, फट गई है, बिखर गई है, और यहाँ पर हमारी गैलरी में पानी पानी भरा है मकान में। हम तो हैं बहुत ज़्यादा परेशान, करें कुछ पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनने आश्वासन दिया था, क्या वो आश्वासन खाली गया है आज तक? खाली गया है, बस यो ही कह देते हैं, बहला देते हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, न करके दिखाते हैं, सही बात बताते हैं। हम तो हैं बहुत परेशान, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि हम देख रहे हैं कि आप
आपके साथ एक बूढ़ी औरत रहती हैं, वो शायद आपकी माँ है, माँ है आपकी, तो आपने कभी आवास के संबंध में कोई ज्ञापन दिया है क्या, कभी तहसील दिवस में या कहीं भी विधायक जी आते हैं उनको कहा है या किसी को सूचित कराया है, अवगत कराया है? गुड्डू भैया ब्रजभूषण राठौर जी, उनसे कहा था हमने नगर पंचायत भवन में है, और क्या नाम चेयरमैन है जो अध्यक्ष है अपने नगर कुलपहाड़ के, उनसे भी कहा था आपने, हमने बैंक खाता की फोटो कापी आधार कार्ड की दी थी उनको है, कहते हम इंक्वायरी करवाएंगे दिखवाएंगे, फिर उसका कुछ हमारा को मतलब नहीं निकला, मतलब नहीं हमने कहा। तो जो जो न्यास महोबा से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन दावत की रिपोर्ट। गोरखपुर के मुंशी प्रेमचंद पार्क में आज ज्योति मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में शहर सांसद रवि किशन मौजूद रहे और उन्होंने फीता काट कर इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय सम्मानित लोग व भारी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स उपस्थित रहे। साथ ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर आशीष मौर्य, अरविंद राय, डॉक्टर वी के वर्मा, आईसीयू टेक्नीशियन पुनीत श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। ज्योति मेडिकेयर सेंटर मुंशी प्रेमचंद पार्क ट्रांसपोर्ट नगर का भव्य उद्घाटन दिनांक 1/3/2020 को सदर सांसद रवि किशन जी के द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर उपस्थित रहे भारी से भारी संख्या में। साथ ही में डायरेक्टर राजेश मौर्य, डायरेक्टर अरविंद राय, डॉक्टर वी के वर्मा, डायलिसिस टेक्नीशियन पुनीत श्रीवास्तव, आईसीयू टेक्नीशियन डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव, तमाम लोगों के साथ भव्य उद्घाटन किया गया। सहयोगी गण में अंकित मौर्य और मंटू चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भारत की आज़ादी के बहुत संघर्ष किया, तमाम लोगों के साथ आज भव्य उद्घाटन। गोरखपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता बीपी मिश्रा की रिपोर्ट।